शराब घोटाले में जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल, ईडी ने नहीं मांगी रिमांड, कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। तिहाड़ जेल पहुंचे अरविंद केजरीवाल, बैरक नंबर 2 में रहेंगे, 24 घंटे सीसीटीवी से रखी जाएगी निगरानी। तिहाड़ जेल के बाहर जुटे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने का किया विरोध। तिहाड़ से ही सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का दावा, इस्तीफा नहीं देंगे सीएम। सीएम केजरीवाल ने जेल में 3 किताबें मांगी, गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता का आरोप, चुनाव तक सीएम को जेल में डालना चाहती है मोदी सरकार। कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा, केजरीवाल ने पूछताछ में अतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम दिया। ईडी के सौरभ और अतिशी का नाम लेने पर चुप रहे केजरीवाल, अपना नाम सुनकर चौंक गए सौरभ भारद्वाज और अतिशी। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत भेजे जाने पर आक्रामक आप, कहा बीजेपी के इशारे पर काम कर रही ईडी, सीबीआई और आईटी। शराब घोटाले में अतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आने पर बीजेपी हमलावर सुधांशु त्रिवेदी बोले, आप में जिसको देखो वो मदहोश। केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर बोले तरुण चुग, घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर अमित शाह की 2 टूक, हमने पहले ही कहा था जो भ्रष्टाचार करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा ही। राजस्थान से बरसे अमित शाह, कहा राहुल को लोकतंत्र के बारे में बोलने का हक नहीं। ईडी अलायंस पर अमित शाह का तंज, जितनी पार्टियां इकट्ठी कर लो आने वाला सिर्फ मोदी है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की हुई बैठक, विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर संकल्प पत्र पर चर्चा। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई। राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले बयान पर बीजेपी ने जताया एतराज, कहा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे चुनाव आयोग। यूपी के हाथरस में सीएम योगी की जनसभा, कहा ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच। विपक्ष पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा अटैक, पिछली सरकारों में गुंडे सुरक्षित थे, हमारी सरकार में असुरक्षित। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, 4 जून को 405/2024 में एसपी बीएसपी का नहीं खुलेगा खाता। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा, कहा खामोशी से लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म होते नहीं देख सकता। श्रीनगर में कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लोकतंत्र बचाओ बीजेपी हाय हाय के लगाए नारे। पप्पू यादव की लालू यादव से अपील, पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, 4 अप्रैल को पूर्णिया से करूंगा नामांकन। सपा चीफ अखिलेश यादव की इलेक्शन कमीशन से मांग, चुनाव के दौरान ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग पर लगाए जाए जांच। पंजाब से आपके पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी कांग्रेस में शामिल, पवन खेड़ा और देवेंद्र यादव ने दिलाई सदस्यता। छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहा के बीजेपी में शामिल, सीएम मोहन यादव ने दिलाई सदस्यता। बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती ने बीजेपी में शामिल, टिकट कटने के से नाराज होकर छोड़ी थी पार्टी। नागपुर में नितिन गडकरी ने किया रोड शो, बीजेपी वर्कर्स से जेसीबी से बरसाए फूल। मंडी में बीजेपी ऑफिस में पार्टी नेताओं की बैठक, जयराम ठाकुर के साथ कंगना रनौत ने भी लिया हिस्सा। पटना के हरिहर नाथ मंदिर में लालू परिवार ने की पूजा, बेटी रोहिणी आचार्य भी रही साथ। चुनाव से पहले कच्चा थीवू पर घिरी कांग्रेस, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कच्चा थीवू श्रीलंका को कैसे मिला देश को जानने का हक। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, कहा बांग्लादेश को 7,000 एकड़ के बदले दी 17,000 एकड़ जमीन, उसका जवाब कब देंगे पीएम। कच्चा थीवू द्वीप पर पीएम मोदी कर रहे राजनीति, यह दुर्भाग्यपूर्ण, यूबीटी शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कच्चा थीवू पर डीएमके का सवाल पूछा, 10 साल से बीजेपी सत्ता में, द्वीप वापस लेने के लिए क्या किया। सुप्रीम कोर्ट का भोजशाला के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार, एएसआई को भी कोई भौतिक खुदाई ना करने का निर्देश। मथुरा में ईदगाह मस्जिद गली से दिनेश शर्मा समेत 3 हिरासत में, कृष्ण कूप की पूजा करने जा रहे थे दिनेश शर्मा। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बयान, मुख्तार देशभक्त नहीं देशद्रोही था, उसकी मौत पर क्यों रोना। अजहरुद्दीन ओवैसी ने कहा न्यायिक हिरासत में हुई मुख्तार अंसारी की मौत, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस से जलपाईगुड़ी का किया दौरा, तूफान के बाद की स्थिति का लिया जायजा। पटना में गेस्ट टीचर्स पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, नौकरी से हटाए जाने पर सीएम आवास के पास प्रदर्शन करने पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एयर स्ट्रिप का ट्रायल रन, एयरफोर्स ने बिजबेहरा में बनाई है इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली के जगतपुर इलाके में घुसा तेंदुआ, हमले में 3 लोगों को घायल किया गया। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में फैक्ट्री में लगी आग, फायर फाइटर्स ने पाया काबू। आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ पर पीएम ने जारी किया मेमोरियल सिक्का, अगले 10 साल का प्लान भी बताया। पीएम मोदी बोले 2014 में बैंकिंग सेक्टर डूबने की कगार पर था, आज बैंकिंग सिस्टम प्रॉफिट में। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 364 और निफ्टी 136 अंक की बढ़त के साथ बंद।